दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, जेल में बंद केसीआर की बेटी के कविता की जमानत याचिका हो गई खारिज। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद केसीआर की बेटी के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई। राज्य एवेन्यू कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई में ये फैसला सुनाया है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने अपने बेटे की स्कूल परीक्षाओं को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव के बीच कर्नाटक में पड़ी रेड, 5 करोड़ कैश और 106 किलोग्राम ज्वेलरी मिली बेहिसाब दौलत। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तेज होती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच तमाम दल चुनावी मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। पार्टियां लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। इसी बीच कर्नाटक में पुलिस को छापेमारी के दौरान बेहिसाब दौलत मिली है। पुलिस ने यहां से 5 करोड़ कैश और 106 किलोग्राम ज्वेलरी बरामद की है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने छुए पीएम मोदी के पैर तो बढ़के तेजस्वी यादव बोले, हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम मोदी के पैर छूने से सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। अब पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि ये देखकर बहुत शर्मा रही है और बहुत बुरा लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने बिहार के नवादा में एक जनसभा के दौरान मंच साझा किया था। इसी दौरान नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूते नजर आए। अब इसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। अगली बड़ी खबर, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, इस शख्स ने उंगली काटकर काली माता को चढ़ा दी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक असामान्य घटना कर्नाटक में देखने को मिली। यहां प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक व्यक्ति ने उंगली काटकर माता काली पर चढ़ा दी। इस शख्स का नाम अरुण वर्णेकर है। उन्होंने मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए देवी काली से प्रार्थना की और प्रसाद के रूप में अपनी उंगली काटकर चढ़ा दी। इसके बाद खून से सनी उंगली से अपने घर की दीवार पर लिख दिया, मोदी सबसे महान। अरुण ने अपने घर में मोदी का मंदिर भी बनवाया है, जहां वे हर रोज प्रार्थना भी करते हैं। अगली बड़ी खबर, क्या लोकसभा चुनाव 2019 में 373 सीटों पर हुई थी धांधली, चुनाव आयोग ने बताया ईवीएम मशीन का सच। दरअसल साल 2019 में 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर ईवीएम मशीन के जरिए हुए गलत मतगणना के दावे को चुनाव आयोग ने फर्जी करार दिया है। भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि कुल मतदाताओं और डाले गए मतों की संख्या में कोई बेमेल नहीं है। एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा था कि कई सीटों पर मतों और मतदाताओं की संख्या में अंतर पाया गया था। आपको बता दें कि अब निर्वाचन आयोग ने इस दावे को खारिज कर दिया है और इसे फर्जी करार दिया है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का पुतला फूकने निकले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर को किया गया गिरफ्तार। दरअसल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों के लिए पंजाब में शुरू हुए किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर को तमिलनाडु में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 7 से 8 अन्य किसान नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई है। सरवन सिंह पंधेर ने वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है, केंद्र सरकार का पुतला फूकने के प्रोग्राम में शामिल होने निकले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर समेत 7 से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा में भाजपा उम्मीदवारों का भारी विरोध, पटियाला में परनीत कौर को किसानों ने घेरा। दरअसल पंजाब और हरियाणा में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से भाजपा उम्मीदवार परनीत कौर को रविवार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। परनीत कौर लोकसभा चुनावों को लेकर पटियाला के गाँव में प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान किसानों ने उनके काफिले को घेर लिया और जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दे डाली राजनीति छोड़ने की सलाह, बोले आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। दरअसल जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में अपेक्षित परिणाम नहीं होने के बावजूद वो ना तो रास्ते से हट रहे हैं और ना ही किसी को आगे आने दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसे में उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, एनआईए अधिकारियों पर हमले को लेकर भड़के पीएम मोदी, बोले आतंक का खुला लाइसेंस दे रही टीएमसी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसीलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती हैं तो टीएमसी उन पर हमले करती है और लोगों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। पीएम मोदी की ये टिप्पणी एक दिन पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पर भीड़ की ओर से हमले के बाद आई है।
अगली बड़ी खबर, अनंतनाग से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी महुआ मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद से होगी सीधी टक्कर। दरअसल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने कश्मीर घाटी में 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष महुआ मुफ्ती अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इस बार महुआ मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले इंडिया गठबंधन में मचा है तूफान, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने पर अड़े हैं बड़े नेता। दरअसल बिहार के नवादा में चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन वाले चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मामला मुझे जो पता चला है वो ये है कि गठबंधन में बीते 15 दिनों से तूफान चल रहा है। उनके एक नेता ने हट पकड़ ली है कि जब तक उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं चुन लिया जाता वो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं कि उनका नेता कौन है। अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं और कहते हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। और दूसरी तरफ उनके वो नेता कह रहे हैं कि जब तक मुझे प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव बल्लभ ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, बोले राम मंदिर का करते हैं विरोध, अडानी और अंबानी को सुबह से शाम तक देते हैं गालियां। दरअसल कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में आ चुके गौरव बल्लभ ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को फिर से निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, सुबह से शाम तक अडानी अंबानी को गालियां देती रहती है। मैंने उनके शीर्ष नेताओं से कई बार कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उनका चुनावी घोषणा पत्र पिछले 30 साल से एक ही आदमी तैयार कर रहा है। गौरव बल्लभ ने कहा कि अगर उनके विचारों में ताकत होती तो वे 42 से 52 सीटें नहीं लाते। उन्होंने आरोप लगाया कि जो शख्स कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे रहा है आज उनसे पूछें कि क्या यूपी और बिहार अलग अलग राज्य हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज पार्टी चला रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी कर रही धनाधन प्रचार और इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी रैली का हो रहा इंतजार। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए प्रचार के लिए सिर्फ 10 दिनों का समय रह गया है। इसके बावजूद विपक्षी दलों को साथ लेकर बना इंडिया गठबंधन अभी तक कोई बड़ी रैली नहीं कर पाया है और ना ही अभी तक इसकी कोई योजना दिखाई दे रही है। गठबंधन की रैली तो दूर की बात है, इसमें शामिल दलों के प्रमुख नेता भी क्षेत्र से नदारद दिख रहे हैं। पश्चिमी यूपी में खासकर ऐसा ही माहौल दिख रहा है। वहीं अगर अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो इस मामले में काफी आगे दिख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा सवाल रखा है। अगली बड़ी खबर, टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के अभिषेक बनर्जी, बोले बंगाल में बीजेपी और एनआईए का गठबंधन है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत और गर्मा गई है। बंगाल के भूपति नगर में 2022 में हुए विस्फोट के मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। भूपति नगर विस्फोट मामले में दोनों नेताओं की गिरफ्तारी पर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और एनआईए के बीच में गठबंधन बना हुआ है। इस पर पलटवार करते हुए बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने टीएमसी को चुनौती दी है कि वो अपने आरोपों को साबित करके दिखाए। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले इंडिया गठबंधन के आधे नेता बेल पर हैं और केजरीवाल जेल में हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि जमानत पर रिहा या जेल में बंद इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसे नेता जेल में हैं, जबकि सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेता जमानत पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी विकास के पक्षधर हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। अगली बड़ी खबर, रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा दंगे भड़काएगी बीजेपी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र जांच एजेंसियां तृणमूल कांग्रेस नेताओं से या तो बीजेपी में शामिल होने या कार्यवाही का सामना करने के लिए कह रही हैं। पुरुलिया जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और एनआईए और आयकर विभाग जैसी एजेंसियां बीजेपी के हथियार के रूप में काम कर रही हैं। लोगों से किसी भी उकसावे में ना आने की अपील करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी 17 अप्रैल को रामनवमी पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काएगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने टीएमसी के नेताओं की ओर से कथित अनियमितताओं का पता लगाने के लिए राज्य में 136 टीमें भेजी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि रामनवमी पर बीजेपी दंगे भड़काने की कोशिश करेगी।
अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले बंगाल में रहेगी नंबर वन और साउथ में करेगी कमाल। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों और वोट शेयर में इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीत सकती है, जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और बंगाल में ममता बनर्जी और प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी जैसे कई विपक्षी नेताओं के साथ काम किया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर एक पार्टी के रूप में उभर सकती है, तो वहीं तेलंगाना में भी बीजेपी नंबर एक या फिर नंबर दो पार्टी बन सकती है। अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति पर कला प्रभाकर के दावे ने मचाई सनसनी। बोले देश में दोबारा नहीं होंगे चुनाव। दरअसल अर्थशास्त्री पर कला प्रभाकर ने दावा किया कि अगर बीजेपी को इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति पर कला का ये बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। खुद देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पर कला प्रभाकर के बयान का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में हो सकती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के आरोपों पर बोली कंगना रनौत, ना तो मैं बीफ खाती हूं और ना ही किसी तरीके का रेड मीट खाती हूं। दरअसल कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के दावे पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो बीफ और रेड मीट नहीं खाती है। कंगना रनौत ने कहा कि मैं बीफ या फिर किसी प्रकार का रेड मीट का सेवन नहीं करती। ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरे तरीके से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली वायनाड में हिंदुओं को मारने की लिस्ट बनाने वाले पीएफआई का समर्थन ले रहे राहुल गांधी। दरअसल अमेठी से बीजेपी सांसद द्वारा केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि वायनाड में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए पीएफआई का समर्थन लिया है, जो हिंदुओं को मारने के लिए लिस्ट बनाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन की मदद से राहुल गांधी चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव तो भड़के योगी के मंत्री। बोले इससे सिर्फ एक परिवार का ही वोट मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि आज हर जगह मोदी, कमल और भाजपा दिखाई पड़ रही है, विपक्ष दूर दूर तक साहस नहीं जुटा पा रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज हताशा और निराशा में डूब चुकी है, समाजवादी पार्टी जगह जगह अपने प्रत्याशी ही बदल रही है। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वो सब काम करेंगे जिससे मतदाताओं को रिझा सकें, लेकिन वो रिझा नहीं पाएंगे। वो एक परिवार के वोट ले सकते हैं, लेकिन मोदी का परिवार बहुत बड़ा हो गया है। उस परिवार में सभी लोग समाहित हो चुके हैं और उस परिवार से उन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा आखिर किस बात पर जनता करेगी 400 पार। दरअसल एनडीए के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें आएंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी नहीं मुद्दे की बात होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान और ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और ना गरीब की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ना तो शिक्षा की बात करते हैं और ना स्वास्थ्य, स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं, तो फिर किस आधार पर देश की जनता उन्हें 400 पार करेगी। अगली बड़ी खबर, गोपाल कांडा ने दिया बड़ा बयान। बोले सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को करें वोट। दरअसल हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। गोपाल कांडा ने कहा कि 2024 में 2019 से बड़ी जीत होगी। पूरा देश आज पीएम नरेंद्र मोदी को देख रहा है कि देश कैसे तरक्की कर रहा है। गोपाल कांडा ने कहा कि हिंदुस्तान का गौरव कहां से कहां पहुंच गया है। एक भारतीय को सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट करना बेहद जरूरी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।